गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप कि एकदम मस्त और बिंदास होगे। तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 399 में आप अनलिमिटेड खा सकते हो। मस्त वाला एकदम आपके लिए आया है पटना में पहली बार। शांति लाल आप देख ही रहे हो, मीठापुर में पड़ता है। और जैसे ही आप एंट्री करते हो ना, ओ माई गॉड, बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। लव शांति लाल। और ये जो उड़ते हुए पंख है ना, वहां पे आप फोटोज खिंचवा सकते हो। उसके बाद आप स्टेयर्स पे चढ़ोगे। स्टेयर्स पे चढ़ने के बाद उसका जो गेट है वो मिलेगा। और आप एंट्री करने के बाद, ओ माई गॉड, जो आप खाना देख करके मुंह में पानी आने वाला है ना, रियली कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। तो वो चीज यहाँ पे डेफिनेटली हर एक आइटम यहाँ पे देखने को मिलेगी। सामने आप इंटीरियर देखोगे ना यार, तो गजब, मतलब हम क्या बताएं आपको यार, गजब का इंटीरियर है। और एकदम केबिन सबके लिए अलग है भैया। तो आप कपल वाले भी खुश हो जाओ कि कपल के लिए अलग से व्यवस्था है। और फैमिली वाले आराम से वो भी बैठ सकते हैं, पार्टीज कर सकते हो। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का भी, यहाँ पे आप सामने देखो, हैप्पी बर्थडे के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है। और तो और यार, मतलब सच में इंटीरियर देख करके ना मेरा दिल ना एकदम इस जो रेस्टोरेंट है उस पे आ गया था। और बहुत ही सुंदर ग्रीनरी भी आपको दिखेगी, लाइटिंग भी बहुत ही सही तरह से दिया गया है, बैठने का भी आपको यहाँ। तो अब चलते हैं खाने की तरफ। खाने में आप देख रहे होंगे सैलड हर तरह की है, और ये पिकल आपको दिख रहा होगा, मिक्स पिकल है। हर तरह की सैलड में चीजें थी, और रायता भी बहुत ही तरह का था, दो तीन तरह का। और आप देख रहे होंगे मूंग और ये सारी चीजें अंकुरित चीज थी, और पाइनएप्पल का रायता और इस तरह की थी। और ओ माई गॉड, गर्मा गर्म आपको सूप मिल जाए तो मजा आ जाए यार इस ठंडी में। ये देखो टोमेटो सूप है, आपको मिल जाएगा ठंड में, तो आप इंजॉय करो। उसके अंदर आपको डालने के लिए सेव, और ये जो रस का वो चीज था वो भी है। और आपको पापड़, ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट है पापड़, मैं तो ये लेकर के निकल गई थी खाते खाते। उसके बाद आपको दिखाती हूँ ये चाउमीन, और ये सबका फेवरेट चाउमीन और मंचूरियन, तो वो भी सारी चीजें हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, हर एक चीजें दिखाऊंगी मैं आपको। ये शायद क्या था मेरे को याद नहीं है, आप आओगे तो ट्राई कर लेना। उसके बाद ये जो चटनी है, सीख वाली चीजें आपको दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे जो हरा भरा कबाब और पनीर का, ये सारी चीजें स्टार्टर में आपको, बहुत ही टेस्टी था यार, कसम से बहुत ही टेस्टी था ये। तो ये आप देख रहे होगे लिखा हुआ है सारी चीज के नीचे, सोया चाप आप देख रहे होगे, पनीर टिक्का है, और देखने में तो लजीज है यार, कसम से इसका टेस्ट ना सच में बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का बड़ाई कर रही हूँ, रियली इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये आप देख लो, पनीर के वेराइटीज है, जिसको जैसे तरह की पनीर खानी है वो वैसा खा सकता है। उसके बाद आप देख लो, ये भी खाने की चीजें हैं, जो भी पकौड़ियाँ और ये सारी, ये जो आलू और गोभी के सब्जी थे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हर एक चीज़, मैं आपको दिखा रही हूँ। पूड़ी खाना है, पूड़ी खा सकते हो। स्टफ कुलचा है, बटर नान है, सारी गर्मा गर्म चीज़ें थी वहाँ पे। ऐसा नहीं कि ठंडा था, गर्मा गर्म थी सारी चीज़ें। वेज फ्राइड राइस आप देख रहे होगे, आप दो तरह के फ्राइड राइस हैं, आपको जो भी मनपसंद है वो आप खा सकते हो। उसके बाद आप देखो, प्लेन राइस भी था, और येलो दाल, यानी दाल के साथ आपको खाने का मन है, आप दाल के साथ खा सकते हो। मतलब रियली हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी यार, इतने कम में क्या ही मिलता है आज के टाइम में आपको। ओहो, मुँह में ज़रूर पानी आ गया। यदि आपको सेवई की खीर और चावल की खीर पसंद है ना, तो दोनों तरह के यहाँ पे आइटम थे, और स्वाद कसम से बहुत ही अच्छा था। आप ये देख रहे होगे, आपको ये भी देख करके पानी आ ही गया होगा। हलवा था, बहुत ही टेस्टी था, इसको लेकर के मैंने मजाक, ओ माई गॉड, काला उजला, ओ हो हो, मतलब क्या ही बोलूँ यार, मैं फिर से जाने वाली हूँ खाने के लिए यार, मतलब मन नहीं भरा। कुकीज़ बहुत ही अच्छा था, और ये जो पेस्ट्री देख रहे होगे इसका भी काफ़ी अच्छा ये चीज़ था। जलेबी, जलेबी के शौकीन हो तो आप यहाँ पर जलेबी का भी लुत्फ उठा सकते हो। और सबसे पहले ना, मतलब लाइक स्टार्टर लेकर के ना मैं टूट पड़ी हूँ यार, मतलब कसम से हर एक चीज़ मैं टेस्ट करूँगी, और मेरा एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा ना कि सच में ये बहुत ही टेस्टी था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
कोर्स की तरफ। सारी चीजें हमने ले ली हैं, अपने थाली में परोस ली हैं। स्वाद कैसा है वो भी मैं बताऊंगी, हर एक चीज टेस्ट करूंगी। और ये जो भैया है ना यार, खीर और ये आइसक्रीम सारी चीजें दे गए थे, बहुत ही टेस्टी था। मैं राइस और सब्जी मिला के खा रही हूँ। दाल मैं नहीं लिया क्योंकि दाल मेरे को प्रेफर नहीं करती हूँ मैं, तो दैट्स वाई दाल खाना चाहिए। डांट बहुत पड़ा है मेरे को इस चीज के लिए, बट यहाँ पे दाल खाने थोड़ी आई थी यार। तो टेस्ट गजब का था यार, मतलब क्या बोले, मुंह से जो है ना, मतलब सच बोल रही हूँ यार, दोबारा मैं जा रही हूँ। दोबारा क्या, मैं तो बार बार जाऊंगी जब भी मौका मिलेगा। और इतने सस्ते में यार, आपके अपने शहर में बगल में है ये चीजें, तो आप जाओ और न्यू ईयर एकदम अच्छा वाला एंजॉय तो करो। यहाँ पे आइए और एंजॉय कीजिए, और कमेंट कीजिए कि क्या क्या आपने खाया न्यू ईयर के पहले दिन में, आप क्या क्या खाया। और ये जो वीडियो आप लोग के लिए इतना फायदा पहुंचाने के लिए लाई हूँ यार, एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, आई लव यू ऑल। मिलेगा और मैं खुशी से झूम रही हूँ, उड़ रही हूँ। आई लव शांतिलाल, आई रियली लव शांतिलाल। तो एंजॉय करो, सारी चीजें आपको दिखा दी है मैंने, तो जाओ जल्दी से एंजॉय करो। हैप्पी न्यू ईयर, लव यू ऑल।